हेलो, मोस्ट वेलकम डॉग्स टीआरएन फैमिली। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डॉग्स टीआरएन में। और आज का जो टॉपिक है, काफ़ी टाइम से मेरे पास में कमेंट आ रहे हैं, बहुत लोगों के कमेंट आए हैं मेरे पास में इस टॉपिक को लेकर। ये थासा बर्मन जी का एक कमेंट है कि उनका डॉग किसी डॉग को देख कर भौंकता था। तो आखिर में डॉग क्यों भौंकते हैं, इसी पर आज की वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा भौंकने का, बार्किंग करने का विषय क्या होता है। एक तो होता है कि आपने अपने डॉग को बांध रखा है, इसकी वजह से भी काफ़ी डॉग भौंकते हैं। दूसरा रीज़न होता है कि काफ़ी ब्रीड ऐसी होती हैं जो कि भौंकती हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एम्बुल्स है, एम्बुल्स बहुत ही कम कोई रीज़न होता जब भी भौंकते हैं। दूसरा रीज़न होता है कि आप डॉग को एक्सरसाइज नहीं कराते हैं, बाहर के डॉग से नहीं मिलवाते हैं। जैसे कि हिताशा वर्मा जी का मेरे पास में कमेंट आया था और उनका कमेंट यही था कि बाहर जब हम ले जाते हैं तो सेम प्रॉब्लम बहुत लोगों की थी। तो उन्होंने बोला कि इस पे टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए कि हमारा डॉग अगर बाहर निकल जाता है, बाहर निकलने के बाद में हम उसे घुमाने ले जाते हैं तो दूसरे डॉग को देखकर बहुत ज़्यादा बार्किंग करता है। तो आप सबसे पहले क्या करें कि अगर आप कभी भी बाहर घुमाने मॉर्निंग वॉक पर या इवनिंग वॉक पर ले जाते हैं अपने डॉग को, तो वहाँ पर उस डॉग से मिलवाने की कोशिश करें। अगर वो बाइट कर रहा है दूसरा डॉग, तो थोड़ा सा दूर से फ्रेंडशिप कराने की कोशिश करें, क्योंकि डॉग चाहते हैं उससे मिलना, कि एनॉन डॉग कोई आया है, अजनबी डॉग है, तो उससे मिलने की वजह से बार्किंग करते हैं। कभी कभी क्या है कि अदरवाइज आपके पास में रॉटवाइलर है तो रॉटवाइलर को कभी भी दूर से ही आपको सर्चिंग करानी चाहिए। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तिब्बतन मैस्टिफ है ये, और इसकी मैं क्लास दे रहा हूँ। इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये घर पर कोई गेस्ट आता है तो बार्किंग करता है, जब तक वो गेस्ट नहीं जाएगा जब तक बार्किंग करता रहेगा। और मैंने इसको ट्राई भी किया था इसके पास में जाने का, तो पास में जाने में भी बहुत ज़्यादा, अगर मैंने इसको कोई भी अपनी बॉडी का पार्ट इसको दिखा दिया या इसके पास में ले गया तो ये बाइट कर लेती थी। ये फीमेल है और ये बाइट कर लेती है, इसको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आता है कि आप घर में आए क्यों हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आप या तो अपने डॉग को बाहर का माहौल नहीं दिखाते हैं, बाहर का माहौल दिखाइए। अदरवाइज आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं तो बाइटिंग करता रहता है, तो इसमें रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। आपने मीटिंग नहीं कराई है, क्रॉसिंग नहीं कराई है अपने डॉग की, या फिर आप उसको बहुत ज़्यादा ओवरलव करते हैं, बाहर के लोगों से मिलवाते ही नहीं हैं। तो बाहर के लोगों से आप मिलवाइए, घर में एंट्री कराइए। अदरवाइज आप बाहर, घर से बाहर जाते हैं और घर से बाहर जाने में आपके डॉग को प्रॉब्लम होती है, तो उसमें आप कंडीशन में यही कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग कराएं, क्योंकि वो थोड़ा सा माहौल देखना चाहता है। बार्किंग करने का मतलब ये नहीं है कि वो किसी को काटना चाहता है या प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है। उस प्रॉब्लम में आपको यही करना है कि आप अपने डॉग को, एनॉन पर्सन डॉग को अगर भौंक रहा है तो उसको आप उसी साइड में ले जाएं जहां वो जाना चाहता है भौंक, जहां पर भी वो बार्किंग कर रहा है, दूसरे डॉग पर बार्किंग कर रहा है तो उसके दूसरे डॉग की एक सर्चिंग करते हैं, ये डॉग स्मेलिंग करते हैं, स्मेल करते हैं उसकी बॉडी को कि हाँ ये कैसे करेक्टर का डॉग है, दोस्ती करने लायक है या नहीं है। तो आप उससे दोस्ती कराइए। अगर पास में जाके अगर वो दूसरे एनॉन डॉग को, अजनबी डॉग को भौंकता है, काटने की कोशिश करता है, तो आप थोड़ा सा खींच सकते हैं उसको, उसके लीश को पकड़ के पुलिंग कर सकते हैं और फिर दोबारा से आप दोस्ती कराने की कोशिश कर सकते हैं। धीरे धीरे करके उसकी ये आदतें ख़त्म होने लग जाएंगी, वो जैसे ही फ्रेंडशिप करने लग जाएगा तो आदतें ख़त्म हो जाएंगी। काफ़ी सिक्योरिटी डॉग होते हैं, सिक्योरिटी डॉग शिकार करने के लिए, केवल बाइटिंग करने के लिए, गुस्सा निकालने के लिए ही बाइट करते हैं दूसरे डॉग को। तो यही आज की छोटी सी वीडियो थी, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं, और आप न्यू हैं इस वीडियो पर तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।